मैं तो अपनी नई साइकिल चला रहा था। चलाना चाहोगे? बिल्कुल नहीं। अगर देना ही नहीं था तो फिर पूछा क्यों? टमाटर की तरह लाल तुम्हारे चेहरे को देखने के लिए। तुम्हारे लिए एक साइकिल बनाएंगे। सच? मुझ। जल्दी चुपकी, जल्दी बनाओ। ये पूरा हुआ। ये देखो राजू, मैंने तुम्हारी साइकिल का नमूना तैयार कर दिया है। कालिया और ढोलू इसके हिस्सों को लाएंगे और इसे बनाने में जग्गू भीम की मदद करेगा। राजू तोते को तो जरूर जाऊंगा और उस मन्नू को बताऊंगा। पर राजू राजू ये कहानी तो मैं बोटकपुर के बच्चे बच्चे को बताऊंगा। इन मच्छरों को तो मैं इस समय राजू कहाँ जा रहा है? भीम को बताता हूँ। उसे नदी के पार ले जाकर हमेशा के लिए अपना दास बना दूंगी। बच्चे, अगर तुम मेरे बस्ते को नदी पार कराने में मदद करोगे तो मैं तुम्हें साइकिल दे दूंगी। इस भारी बस्ते को उठाने में ये लड़का थक जाएगा और आसानी से मैं इसे ले जाऊंगी। मुझसे नहीं होगा। तेरे दोस्त को वापस होश में ला। करोगे बच्चे? चिपकाना पड़ेगा। मैं यहाँ से चली जाऊंगी और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। हाँ हाँ चली जाना, पर पहले मेरे दोस्त को जगाओ और अपना वादा निभाओ। क्या हुआ और ये कौन है? ये तुम्हें एक बढ़िया साइकिल देने वाली है राजू। मारो मारो जल्दी। क्या हुआ जग्गू? राजू कहाँ है? ओहो मुझे नहीं पता राजू कहाँ है। मैं अब तक उसी का इंतजार कर रहा था घर पे। मुझे तो जग्गू के घर जाना है। चलता हूँ, मेरा रास्ता उस तरफ है। खाओ खाओ, सब अपना खाना खाओ। मैं गांव पहुँच जाऊँ फिर मैं भी खूब सारा खाना खाऊंगा। चटपट खाने का मन कर रहा है। छोले भटूरे, चाट पकौड़ी, साथ खट्टा मीठा पानी और चटनी। सुना तो मैंने भी बहुत है गोलगप्पे के बारे में, पर कभी चखी नहीं। वैसे तुम
से डरो मत, मैं तुम्हें नहीं काटूंगा। नाग भी कभी बोलते हैं? हाँ, इच्छाधारी नाग बोलते हैं। इच्छाधारी मतलब? इच्छाधारी मतलब हम अपनी इच्छा से अपना रूप बदल सकते हैं। हाथी का सर तो है पर शरीर शेर का। ओ, मैं अभी छोटा हूँ ना, अभी अपना जादू सीख ही रहा हूँ, इसीलिए कभी कभी गलती हो जाती है। तुम मन ही मन कुछ इच्छा करो और मैं उसे पूरी करने की कोशिश करता हूँ। ये बात है तो ये लो। कहाँ गया? राजू तुम्हारे दोस्त के साथ खेल रहा था। और कौन कबा? चार स्टॉल पास ही है, चलो जल्दी चलो सर। वो बाला देखो, उस गोलगप्पे में से दो बाल उगे हुए हैं। हाँ, वही अपना राजू है। देखो बस ये वाला गोलगप्पा छोड़ दो। ए, क्यों छोड़ दूं? मुझे वही वाला गोलगप्पा डाल। पर कुछ नहीं। राजू को गोल गप्पे से वापस राजू बनाओ। गलत हो गया फिर से। फिर गलत हो गया। पूरा ध्यान लगाकर करता हूँ। देर लगेगी ही ना, आखिर भीम को महल के शाही हलवाई ने खुद लड्डू चक्कर बताने के लिए बुलाया है। क्या हुआ चुटकी? काश मेरे बाल आपकी तरह होते राजकुमारी। पगली, सच में मैं आपकी तरह बाल चाहती हूँ। मेरे बाल तो हमेशा उलझते रहते हैं। इच्छा करती हूँ कि झट से कंघे फिराऊं और बाल ठीक हो जाए। ए भाइयों बहनों, छोटी सी लड़कियों और छोटे से लड़कों, मैं हूँ कंघी लाल और मेरे पास है कंघिया। सबके लिए है कंघिया, कंघिया ही कंघिया। अरे सबके लिए है कंघिया, कंघियाँ हर रंग की हैं, हर नाप की हैं। इसके पास सच में कितनी सारी कंघियाँ हैं? सबके लिए कंघियाँ। तुम्हें कंघी नहीं चाहिए? नहीं, मुझे ये कंघियाँ कुछ खास नहीं लग रही हैं। हाँ, मैं चुटकी को यही कहना चाह रही थी।
मैं तैयार हूँ शाही लड्डू चखने के लिए। राजकुमारी चलो चलते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? अरे बंदर भाई साहब, आपके लिए भी है कंघियाँ। सबके लिए है कंघियाँ। कोई कंघी लाल है, कंघी बेचने आया है। उसके पास अलग अलग तरह की कंघियाँ हैं। अच्छा, चुटकी और जग्गू भी अपने लिए एक लेने गए हैं। मुझे तो कुछ खास नहीं लगी ये कंघियाँ। तुम शाही रसोई जा रहे हो, मेरे लिए शाही लड्डू लाना भूलना नहीं। अरे बिल्कुल नहीं भूलूंगा। भीम देखो, मैंने अपने लिए एक कंघी खरीदी है, अच्छी है ना? अच्छी है। तुमने जग्गू के लिए भी कोई कंघी ली है? हाँ। हाँ कालिया, क्या हुआ? सो गया मामा। हम उठाएंगे मामा को। मामा ऐसे सोए कैसे? भीम भीम भीम, मैं बताता हूँ। जंगल में खबर है कि ढोलकपुर आ रहे थे और दो चोरों ने मामा पर हमला कर दिया। चलो कालिया, उनको मजा चखाएं। तुम दोनों ने मामा को सुलाया, अब तुम दोनों ही उठाओगे। ये मामा को उठा देगा। ले सकते हो तो ले लो लड़के। कालिया को मेले में ले जाऊंगा। वो है कहाँ? सो गया कालिया। Thank you.
पर कालिया, तुम्हारी ये हालत की किसने? मुर्गा! मुर्गा? कालिया, तुमने कोई सपना देखा होगा। मुर्गा और कालिया को? मुर्गा, उसने मुझे चोंच मारी, बार बार मारी। नया दोस्त मिला है। आपको बहुत पसंद आएगा। मेरा दुश्मन हमारा दोस्त। इसने मुझे चोंच मारी, बार बार मारी। झूठ। क्या? हमारा दोस्त छोटा सा प्यारा सा मुर्गा है। मैं या मुर्गा, चुन लो। चलो चलो जल्दी करो राजू, इस बार तो राजा मैं ही बनूंगा। देखते हैं, मैं राजा बनूंगा। मैं फिर से राजा बन गया। इस बार मेरा वजीर कौन है? मैं। तो फिर बताओ, कौन कौन चोर है और कौन कौन सिपाही? मुझे सोचने दो। जब मैं नहीं बता सका था तब तो बड़ा चिढ़ा रहे थे मुझे। अब देखते हो तुम कितने होशियार हो कालिया। बताओ बताओ। तुम सबको अभी पता चल जाएगा कि मैं कितना बड़ा जासूस हूँ। हर पहेली को चुटकियों में सुलझा लेता हूँ। ठीक है ठीक है, अब बताओगे भी? राजू और जग्गू चोर है और चुटकी और डोलू बोलू सिपाही। सब अपने अपने पर्चे मुझे दिखाओ। हम चोर हैं। मैं सिपाही। मैं भी सिपाही। कालिया, तुम्हारे चार गलत और सिर्फ एक ही सही जवाब है। वो क्या है कि मुझे अभी भूख लग रही है, इसलिए दिमाग काम नहीं कर रहा। अब ये बहाने मत बनाओ, अपनी हार कबूल करना सीखो। ओ, मैं कोई हारा वारा नहीं हूँ। मुझे भूख लग रही है और मैं अब खाना खाने जा रहा हूँ। मुझे कहते हैं हार गया। कालिया कभी हारता है क्या? लगता है उस्ताद बहुत दुखी हैं। क्यों ना हो, टीम का कप्तान तो फिर से भीम को बना दिया और उस्ताद फिर से हार गए। ये उस्ताद को क्या हुआ? इतनी देर में तो उन्हें आग बबूला हो जाना चाहिए था। क्या हुआ उस्ताद? आज आपको हम पर गुस्सा नहीं आ रहा। तुम पर गुस्सा करने से क्या होगा? तुम सच्ची तो कह रहे हो, भीम हमेशा जीतता है और कालिया हमेशा हारता है। सिर्फ एक बार मैं जीतना चाहता हूँ। उस्ताद, अगर आप हमारी बात माने तो आपको जीत सिर्फ एक ही रास्ते से मिल सकती है। कैसा रास्ता? कैसे मैं भीम और उसके साथियों को अपने रास्ते से हटा सकता हूँ? उस्ताद, आप भीम का गुस्सा हम पर क्यों उतार रहे हैं? दरअसल हमें भी यही लगता है कि राजा तो आप ही को बनना चाहिए। और मुझे भी यही लगता है। कौन हो तुम? मैं तो एक बुनकर हूँ, सपने बुनता हूँ। अगर तुम्हारा कोई अधूरा सपना है तो मैं उसे पूरा कर सकता हूँ। मुझे भी अपना सपना सच करवाना है। ठीक है,
पर अपना सपना तो बताओ। मुझे पूरे ढोलकपुर में भीम की तरह सबका चहेता बनना है। जैसा तुम कहो। तुम्हें और भूख लगी है तो लड्डू भी ले लो। ये लो, मेरी तरफ से भी ये लड्डू खाओ कालिया। जिसको अपने सपने सच करवाने हैं वो इस तरफ आ जाए। जब ये सब लड़ेंगे तब मैं इन सब पर राज करूंगा। अब जैसा तुम सब कहो। मैं राजा बन गया। असली राजा मैं हूँ। खजाना तो मेरे पास है, राजा भी मैं ही हूँ। मेरा है। अब ये सब लड़ेंगे और मैं इन सब पर राज करूंगा। पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। देखो मेरा सपना कभी भी सच नहीं हो पाएगा। पांच छः सात आठ। तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? नौ अब आएगा मजा। मुझे नहीं खेलना ये बेकार का खेल। हमें भी ऐसा खेल नहीं खेलना जिसमें हमारा पापड़ बन जाए। तो किसने कहा था मेरे पीछे छुपने के लिए? जल्दी से छुपना पड़ेगा, अब भीम आ रहा है। हो ना हो राजू यही कहीं छुपा होगा। पत्थर के पीछे से निकल आओ राजू। फिर से नहीं, पर भीम ने अभी तक मुझे देखा नहीं है। किसे ढूंढ रहे हो राजू?
मुझे तो ढूंढ लिया, पर तुम चुटकी को नहीं ढूंढ पाओगे। अच्छा, ऐसी बात है। चलो चुटकी, अब तुम भी पकड़ी गई। बाहर आ जाओ। जग्गू, तुम भी पेड़ से नीचे उतर आओ। इस खेल में तो बिल्कुल भी मजा नहीं आता। भीम तो हमारी हर छुपने की जगह जानता है। हाँ, ये खेल तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। क्या हुआ माँ? अरे कुछ नहीं, मौसी थक गई होंगी खाना बनाते बनाते। आज तो सारा का सारा खा जाऊंगा। मुझे माँ की बहुत फिक्र हो रही है भीम। घबराओ मत चुटकी, मौसी ठीक हो जाएंगी। कालिया, जरा देखूं तो हमारे पास कितने लड्डू बचे हैं? एक। हाँ, एक ही लड्डू बचा है। तो ये मेरा है। जग्गू, लड्डू वापस कर दो। मुझे दो। क्या कर रहे हो? ये क्या हो रहा है? लड्डू के लिए लड़ना बंद करो, हमें मौसी के बारे में सोचना चाहिए। मुझे लड्डू दे दो भीम। चुटकी, ये क्या हाल बना दिया है मेरी रसोई का। ठीक हो गई? तुम लोगों को ठीक करूंगी, पहले घर में तमाही मचा के रखी है। भागो! मासी को गुस्सा है। उस्ताद कहाँ है? कालिया।